पंजाबी एक्टर सिंगर और डायरेक्टर परमीश वर्मा को शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। इसके बाद परमीश को मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि परमीश इन दिनों पंजाबी इंडस्ट्री में काफी तेजी से उभर रहे हैं और गालनी कडनी जैसे गाने में अच्छी खासी लोकप्रियता उन्होंने हासिल कर लिया। दरअसल शुक्रवार रात 1:30 बजे के करीब एक शो के दौरान किसी ने परमीश पर गोली चला दी। उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वह ICU में है। SSP सास नगर कुलदीप चाहल ने बताया कि मोहाली सेक्टर 91 में परमीश को गोली मारी गई है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही हमलावर के बारे में पता चल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक परमीश के घुटने पर गोली लगी है। फिलहाल परमीश खतरे से बाहर है। परमीश ने कई सारे गानों के अलावा रॉकी मेंटल फिल्म में अभिनय भी किया था और युवाओं के बीच काफी तेजी से अपनी पहचान भी बनाई। घटना के बाद एक व्यक्ति का फेसबुक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। दिलप्रीत सिंह नाम के इस व्यक्ति ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि परमीश पर उसने गोली चलाई है। दिलप्रीत ने अपनी पोस्ट में परमीश को चुनौती दी है कि जहां मिलना है मिल लेना सामने से, इस बार तो बच गया लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि परमीश को किसी से ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, और ये मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।